देखिए, यह घोर आपत्तिजनक बात खड़गे जी के पुत्र ने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा है। बबूल के पेड़ में आम नहीं फल सकता है। बबूल के पेड़ है खड़गे जी, उसमें आम कैसे फलेगा? उनका पुत्र ने अपने संस्कार को प्रदर्शित किया है। कांग्रेस के लोग आपा खो बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी को इस देश के गरीबों ने अपना मसीहा माना है, किसान मजदूर ने अपना मसीहा माना है, नौजवानों ने मसीहा माना है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है, देश से गरीबी मिट रही है, देश आत्मनिर्भर बन रहा है। कांग्रेस के लोग अपना जनाधार खो देने के कारण और मोदी जी की लोकप्रियता जो बढ़ रही है उसके कारण कुछ संस्कारित बात बोल रहे हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, बबूल के पेड़ में आम नहीं फल देता है। पिता के रास्ते पे, कांग्रेस के रास्ते पे खड़गे जी चले और खड़गे जी के रास्ते पर उनका पुत्र चला है। इस देश की जनता सब देख रहे, देश की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनते देख और जनता को पहले से भी भारी बहुमत से बनाते देख कांग्रेस घबरा गई।